पहले पाठ कर लेने पौड़ी का। तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी। जेती सिरच उपाई वेखा, विण करमा के मिले। मत विच रतन जवाहर माणी, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरा एक दे बजाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। शुरुआत जिहड़ी हो रही है, ये लफज बहुत कॉमनली असीं सुनिया है, तीरथ। और ये लफज आंदियां ही सानू जो सदियां तो साड़ी जहन विच वसिया होया तीरथ, वो साडे सामने अखां दे आ जांदा, वो पिक्चराइज होना शुरू हो जांदा कि भी तीरथ कोई स्थान, कोई कोई समय नाल ऐसा उत्थे कुछ वापरिया कि उन्हों असी तीरथ है। बहुत तरह की डेफिनेशन जिहड़ियां दुनिया च प्रचलित साढ़े एकदम ख्याल च वो डेफिनेशन एक्सप्लेन हो गई और सानू लगता है कि भी हाँ उत्थे कदी कदी लाइफ च जाना भी जरूरी है। सो दैट मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं धर्मी भी हो जाऊंगा। पर गुरबाणी का एक चलन, गुरबाणी को असीं नवेकला क्यों कहते हैं? गुरबाणी ने हर लफज को अपने अंदर एक्सप्लेन किया। इसी तरीके नाल तीरथ की भी जो डेफिनेशन है वो भी गुरबाणी मौजूद है। तीरथ नावण जो तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। असीं बहुत वारी यह सारी पंक्तियां गुरबाणी च पढ़िया ने, पाठ भी सुने ने, कीर्तन भी सुने ने, हर तरह का आप ही पाठ सिखाया सी। लेकिन गौ नाल रुक के कि हाँ पातशाह अगर नवेकलापन गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया में दे के गए ने तो वह किस तरह नवेकला है? जे मैं तीरथ वही समझ रहा कि सारी दुनिया समझती है नवेकलापन ना होया। हां जे मेरा ध्यान अंदर गया पातशाह तीरथ के नूं कह रहे हूं, कह रहे ने तीरथ नावण जाऊं। तीरथ नाम है, नाम असीं बड़ी बारी समझ आए कि असीं किहनूं कहिंदे आ नाम, नामड़ा वो नियम वो विधान वो निजाम जो कुदरत दा चल रहा है, जिहड़े उहदे च नियम वरतदे ने उन्हां नूं नाम कहा जाता है। सो हुण इस नाम विच नाएगा कौन? जो ही असीं इस तरह शुरू होंदे आ ना तो इमीजिएट समझ आ जांदी इहदे च शरीरक नाम की गल नहीं होती। इहदे च हुण मेरा जो चरित्र है, मेरा जो करैक्टर है, मेरी जो बिरतियां ने उन्हां नूं नवाण की गल होगी। क्योंकि जे नियमां नाल गुणां नाल नवाणा है तो कोई सोच मेरी थॉट प्रोसेस जो है उन्होंने नवाना पेगा। गुणा नाल शरीर में नहीं नवाया जा सकता। जदों ये सोच नाती जाएगी, पवित्र हो जाएगी, साफ होती जाएगी, हाँ फिर मेरे कर्मां चो मेरे सुभाव चो बाहर वो प्रगट भी होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरा शरीर भी वह करता हुआ नजर आएगा। जी मेरी अंदर की वृत्तियां मेरा चरित्र जो है वो साफ सुथरा होता जाएगा। सो तीरथ इस लफज को जदों भी असीं हुण पढ़ांगे इस पक्षों पढ़ांगे जो पातशाह एक्सप्लेन करते हैं। सो इत्थे जदों गल हो रही है तीरथ नावां जे तिस पावां, हुण तिस कौण है? कहिंदे मैं इस तीरथ ते इस नाम दे तीरथ ते इशनान करां जेकर मैनू ये पावे, जे मैनू पाएगा। हुणे गल हो रही थी ना कि ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है, सुनते से सारा कुछ अपनी पूरी उम्र असं बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, धार्मिक विद्या भी बड़ी सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लैंड लगे यह मेरा मन जरा चल रही है यह काम करता। इसीलिए पूरी गुरबाणी जो है वो मन के प्रथाए गल करती है कि जो जिस दिन यह जाग पाया
उस दिन आनंद हो जाएगा शुरू। सो गुणा विच नाता होया मेरा मन, रब्बी गुणा विच नाता होया मेरा मन, तां इस पासे अग्रसर होएगा, तां इस पासे कदम बढ़ेगा जे इहदी इस पासे झुकाव बन गया। ये चाहता है कि हुण मैं कुछ सौरा बड़ा कुछ करके देखिया, बड़े व्यौतां कीतियां, बड़ी मैनिपुलेशन कीतियां, दुनिया च जित भी उन्हें समझ लिया कि मैं कई मूल अपना के अपना रुतबा कायम किया, लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन पड़ता उठ जाता है उस दिन संभालना औखा हो जाता है। वो वाली सिचुएशन ना बने तो सादगी सिंपलिसिटी नाल सरलता नाल इस जीवन में जी सके, तेनू यह चीजा पाए तेरे उ वाला कोई खराब माड़ा असर होएगा। इस करके जे इस पावा मतलब यह एक तरह की प्रेरणा दी जा रही है कि तेनू यह पाना फायदेमंद। तीरथ नावा जे इस पावा बिन पाने हूँ बिना पाए हुए जो भी मैं कराँगा वो दिखावे मात्र है, बिन पाने के ना करी मतलब जे तू नाण की क्रिया जो असी सब करते ही हाँ कि मान लो असी कोई गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद धर्म की गल समझ आता है, कुछ दिन चुने हुए हैं, किसी ने त्यौहार चुने हुए हैं, किसी ने डेली का रूटीन बनाया हुआ है, लेकिन वो जाके भी मैं ना के ना आया क्योंकि मेरी नीयत इसी नहीं है। सो दिखावे मात्र है। इस पक्षों एक गल और आपके नाल मैं स्पष्ट करा कि इन जो भी समझना ना अपने पता है समझना थोड़ा जहा एक डिफर है। देखो तीर्थ नावा लेकिन मैं देखना कई जड़े
ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਾਲਦਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੇਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਰਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਿਯੋਂਡ ਨੇ ਹਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗਈ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਮੀਜੀਏਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਹਥਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਗੁਣੇ ਵਾਲੇ
के मेरे रे जे मैं उधर से अभ्यस्त नहीं हूँ, उधर से प्रैक्टिकल नहीं हूँ, वो तो ना के आ रहे हैं ना तीर्थ ना के आ रहे हैं तो ते जे मैं उधर से अभ्यस्त मतलब उधर से प्रैक्टिकल नहीं हूँ, उधर मैं समाज में अपनी जिंदगी में अभ्यास अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वेट करूँगा के मेरे रे उधर जो प्राप्ति की होगी भाई सारी गल अपने नाल हो रही है, अपने आप को सुचेत किया जा रहा है कि जे मैं गुणा नाल नाता तोता मन समझ आ गई कि यह चीज लैनी अडॉप्ट करनी है यह छड़नी है यह समझ आ गई, लेकिन मैं वर्त नहीं रहा तो भी हाली भी मैं दूसरी कर रहा सो बिन करमा के मिले उस कृपा का मैं फायदा की होया सो मन सुचेत किया जा रहा। अगली पंक्ति है मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी, मत विच मत असी समझ गए मेरी बुद्धि मेरी मत मेरी समझ उहदे विच कह रहे हैं रतन जवाहर माणिक, हुण रतन जवाहर माणिक असी भी सब समझने कि भी वस्तु है कोई चीज है मैटर है ते ए मेरी मत विच किवें वड़ जांदी वस्तु की एंट्री मेरी मत विच होण दा कोई साधन नहीं है, वो ते हाँ किसी बैंक के लॉकर रखे जा सकते हैं घर की किसी अलमारी लॉक एंड कीज रखे जा सकते हैं या पॉकेट विच या फिर अपनी शिंगार करने वास्ते वरते जा सकते हैं कि मैं सोहनी दिसा या सोहना दिसा अंगूठियां पा लव हार पा लव उस तरीके ना हो सकता मत भी तो रतन जवाहर माने सो इतने सू भावता जाना पे ए जड़े उपर अमृत गुणा की गल हो रही है उन्होंने बारे गल हो रही है। देखो यह रतन जवाहर माणिक अगर किसी ने लैने हो तो खोज करनी पैंती है बड़ी खुदाइया करके बड़ी जगह से ढूंढ टाण के उन्होंने इकट्ठा करना पड़ता तराशना पड़ता उन्होंने शेप लाना पड़ता बहुत भारी इनवैसटमेंट करके उन्होंने हासिल किया जा सकता है इंजे नहीं मिल रहे। सो हूँ मेरी मत में जेकर यह अमृत गुण चाहिए ने सो असी हमने गल की कि उद्यम वास्ते करना पेगा सो मैनू खोजबीन करनी पेगी देखो सारी चीज़ें ना कनैक्टेड है ने जो पातशाह रतन जवाहर माणी की गल कर रहे हैं सो उन्होंने किवें हासिल करेगा हूँ उस चीज़ को अपने मन के बताए कहोंगे कि भाई उद्यम करेंद्या जी तेन उद्यम तो यह करना ही पेगा मेहनत करनी पे खुद कोई मेरा माँ प्यो कोई मेरा दोस्त यार कोई मेरे संबंधी या होर वो इस काम में सहाई नहीं हो सकता मैं अंदरों तत्पर हो मैं पूरी तरह ना अपना बाहूबल जरा अपनी सोच पूरी ताकत लिया के तम खाम हासिल करना है सो दे मैं अपनी इस मत का इस बुद्धि को शिंगार सकता ये बुद्धि मेरा करैक्टर मेरा चरित्र जोड़ा सोहना दस है ना असं ये रतन जवाहर माणिक पाने इस करके ना कि सानू सारे देख के कह वाह शिंगार किया सो यह वाली बिरती इस पास लैके आई मैं अपनी मत को की देना जिस करके मेरा स्वभाव मेरा चरित्र जरा शिंगारिया सोहना दस सो मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक एक जरा है वो असं शुरुआत समझना है एक उस नवेकले उस विलखण कुदरत के नियम विधान क्या एक ओंकार से असं समझ गया सो उस पासे मैनू उस नवेकली सोच वाल अपना जो ध्यान है उदी
ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੂਰਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਇਆ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧੀਕੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਮੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਝੁਕਾਵ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ